ये बात यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी आपके पास शीट होती है जिसमें 100 होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इन 100 में जब आप लगाते हैं, मान लिया केवल आपने 35 रंगे ऐसे करके गोले 35 रंगे, तो आप देखते पड़ोसी तो यार 100 में 100 रंग के बैठा हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक यानी जीटीआई का, उन्होंने कहा सर बहुत सारी वीडियोस बनाइए। देखिए हर चीज पे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, बीएससी के भी क्लासेस आते हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ आज प्रॉपर इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। कम से कम अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर कर ही सकते हैं ताकि आप आसानी से चीजों को कर पाए, ठीक है सर। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पूरी वीडियो बहुत कायदे से देखिएगा, देखिएगा बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन सर मजा आ जाएगा। हमने आप एक साइकिल बना रखा है, जरा देखिए। इस साइकिल को समझाने से पहले बता दे रहा है, बहुत जल्द हमारा एक मीटअप होने जा रहा है जिसमें हम लोग 1-to-1 मिल सकेंगे। कम्युनिटी में पोस्ट किया गया है, जाकर डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है सर। तो जरा समझिए, सी फॉर होता है कंसिस्टेंसी, यानी अगर किसी काम को आप लगातार करेंगे, किसी काम को आप लगातार करेंगे तो क्या होगा, आपको लर्निंग मिलेगी। लर्निंग मतलब आप सीखना शुरू करेंगे, जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपके पास के माने नॉलेज आएगी, और जब आपके पास नॉलेज आएगी तो आपको मिलेगा रिजल्ट यानी परिणाम, और रिजल्ट आपको कब मिलेगा, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करेंगे, यानी लगातार काम करके सीखते रहिए, सीखेंगे तो नॉलेज गेन करते रहिए, आपको एक टाइम आएगा जब रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, समझाते हैं सर। मान लिया आज से 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 5 दिन है अपने पास, पर्याप्त है, ध्यान से समझिएगा। मान लिया, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पेपर दिया सर, आपके पास 3 सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। मैथ के 50 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, ठीक सर। सबसे पहले तो जिन लोगों ने तैयारी कर ली होगी उन्हें पता होगा कि कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कतई तैयारी नहीं की है कि केवल 5 दिन में तैयारी कैसे करें, उनके लिए थोड़ा सा उन्हें लग रहा होगा कि अरे यार पॉलिटेक्निक तो बहुत कठिन है। जी नहीं, समझाते हैं आपको क्या होने वाला। जब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन 100 में से अगर आप एवरेज स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है, तो आपको इन 100 में से बिल्कुल रियलिटी बताएंगे 10 क्वेश्चन आते होंगे। देखिएगा सर, क्यों 10 आते होंगे, क्योंकि आपने अगर 10th लेवल से डाला है या 12th लेवल से डाला है तो वही फिजिक्स आती है, वही केमिस्ट्री आती है, वही मैथ आती है, ठीक है सर। तो कुल मिला के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपसे रिलेटेड आ रहा हो, ठीक है, 100 में से 10 क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, 10 नहीं आते होंगे, 8 आते होंगे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। और अगर आपको 10 भी ना आते हो तो समझ लीजिएगा सर फिर आप बौरे हैं, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सरल आता है। सरल का मतलब 2-4 क्वेश्चन तो इतने आसान आ जाते हैं, आप सोचते हैं ये भी आ सकता है, पर उन्होंने पूछ लिया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, हो गया सर, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सर, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं हमें ये भी नहीं मालूम था, खैर 100 में से 10 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लिया पेपर है 400 नंबर का, ध्यान से समझिए सर, सबसे बड़ी गलती क्या है, मान लिया 400 नंबर का पेपर, ठीक, 400 में से अब आपने क्या किया, किसी एक भले आदमी की वीडियो देख ली, उसने कहा भैया अगर 250 नंबर आएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आप पढ़ गए 250 नंबर के पीछे, 250 नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, और औकात कितने की है सर जी, 5 ढूंढ के आ रहे हैं सर जी, 5 दिन बचे हुए हैं, तैयारी कैसे करें, कुछ तैयारी नहीं हुई है। तो आपको ऐसे टाइम पे अपने गोल को थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके लिए अनुभव की जरूरत पड़ेगी, समझाते हैं सर। यहां पर होता क्या, जो बच्चे 100 नंबर भी ले आते हैं उन्हें भी कॉलेज मिल जाता, ठीक है, क्या कॉलेज, जैसे हमारा शाहजहांपुर वाला कॉलेज 100 नंबर में लड़कियों को मिल जाता है यहाँ के कॉलेज, ठीक है, 100 नंबर बल्कि 60-60 नंबर में भी लोगों को मिल गया, काउंसलिंग दूसरी तीसरी चौथी हुई मिल गया, यानी सरल भाषा में कहें बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको नंबर लाने हैं 250+। लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक ही करना है तो कोई टेंशन नहीं, अगर आपके 100 नंबर 120 नंबर कहीं 150 आ गए तो झमाझम कॉलेज मिल जाएगा, 250 में तो कॉलेज आपको बुलाएगा, फोन करके आ जाइए सर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी। मान लिया हमें लाने हैं 120 नंबर, चलिए एवरेज, जो कतई गरीब लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, हम 5 दिन में 120 नंबर हमें लाने कि चलो कॉलेज मिल जाए, दूसरी तीसरी काउंसलिंग में मिल जाए। यहाँ पे आप समझिए कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, यानी हमें 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप तो डराने वाली बात कर रहे हैं, 100 में 30 वाला तो फेल होता है, 33 वाला पास होता है, चलिए 33 अटेम्प्ट करने। 33 अटेम्प्ट करने का मतलब कितने नंबर हो गए, 4 × 3 = 120, यानी लगभग 132 नंबर हो गए भाई साहब, ठीक, 132 नंबर भी होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। 132 का मतलब आप 150 टारगेट मान के चलिए, और 150 का मतलब हो गया कितने, लगभग 40-45 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, ठीक। अब हमने आपसे क्या कहा, पेपर ऐसा आएगा कि आपको 100 में से
10 क्वेश्चन आते ही होंगे। फिर क्या रह गया भाई, 10 क्वेश्चन आने का मतलब हो गया 40 नंबर हो गए सर आपके। अब बच्चा गलती क्या करेगा, बिल्कुल ये बात यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए अगर इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी आपके पास शीट होती जिसमें 100 होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इन 100 में जब आप लगाते हैं, मान लिया केवल आपने 35 रंगे ऐसे करके गोले 35 रंगे, तो आप देखते पड़ोसी तो यार 100 में 100 रंग के बैठा हुआ, हमारे यार 35 रंग पाए, ऐसा करते थोड़ा और लगा देते हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में आया, आपने थोड़ा और लगाने की सोची, समझ लीजिए खेल वहीं पे गड़बड़ हो गया। नंबर आएंगे बाद में, 50 नंबर आ रहा है, 40 आ रहा है, माइनस के 30 आ रहा है, माइनस के 10, फिर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कसम खा के जाना है कि हमें 100 में 100 नहीं लगाने हैं, हमें कितने लगाने हैं, हमें भैया 45 से 50 के बीच में अगर हम पहुंच गए तो क्रांति लिख देंगे, 50 कहीं लगा दिए 200 आएंगे, और 200 में कॉलेज मिलेगा, हंस के मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। 100-100 में कॉलेज मिल जाए, 60-60 में मिल जाते, कोई पॉलिटेक्निक, लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक बहुत 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 कॉम्पिटिशन, बहुत कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यार, हम आपको बताते हैं सर, ठीक है। तो कॉलेज मिलने के लिए यानी आप 200-250 के करीब घूमने की बजाय, अगर आपके पास तैयारी नहीं है तो आप 5 दिन में एक पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए। उसके लिए क्या करना है, दो चीजें आपको फॉलो करनी है, बहुत ध्यान से समझिए। नंबर एक, आपको लगातार हमने बता दिया कंसिस्टेंसी लानी है, प्लस थोड़ा सा दुनियादारी से खुद को अलग कर लेना, दुनियादारी से 5-6 दिन के अलग कर लो। किसी का 6 जून को पेपर है, 4-5 दिन क्या है, कमरे में बंद हो जाओ, खाना ना कमरे में ले आओ, 4-5 दिन रीलबाजी थोड़ी बंद कर दो, पंचायतबाजी बंद कर दो, फोनबाजी बंद कर दो, ठीक है। क्या करो, लगातार तैयारी करो, 4-5 दिन आपने लगातार तैयारी की। तैयारी करने के लिए दो चीजें फॉलो करिए मस्त, सर इधर देखिए। सबसे पहले यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके लिए पूरी पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। उनका क्या होता है, 100 क्वेश्चन ऐसे सर्च करिएगा, देखें आएंगे, ये 1000 क्वेश्चन सुन लिए तो इसके बाहर नहीं आएगा। मान लिया उनकी आपने 2 घंटे की वीडियो एक देखी बैठ के, या लाइव उनका चल रहा था उसमें देखा, 2 घंटे में आपने 1000 क्वेश्चन सुने, या चलिए मान लिया 500 क्वेश्चन भी सुने, फिर 2 घंटे का कोई लाइव देखा, फिर देखा, दिन में आपने 12 से 13 घंटे दिए। यानी अगर आप 12-13 घंटे डेली देते हैं, डेली 5 से 6 हजार क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हटाइए 2 से 3 हजार क्वेश्चन भी देखते हैं, तो 10 से 12 हजार क्वेश्चन आप देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर किताब अगर आपके उस किताब में देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमें मैथ नहीं आती है, दो बातें हैं, जो लोग तैयारी करके बैठे वो तो मैथ पे फोकस करें, लेकिन जो लोग कहेंगे हमें मैथ नहीं आती है, तो मेरे भाई अगर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के आपने 25 में 30 भी कर दिए, हमने अभी क्या कहा 30 नंबर में 120 भी अगर आए तब भी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं सर। फिर मैथ में आपने मान लिया 10-12 भी कर पाए तब भी तो 42 क्वेश्चन होगा, और 42 क्वेश्चन होगा तो पर्याप्त है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा नहीं मिलेगा तो ठीक ठाक तो मिल ही जाएगा। ये हम स्ट्रेटजी कब की बता रहे हैं, जब 4-5 दिन बचे हो। सबसे पहले तो जान लगाइए, झोंक दीजिए खुद को, अपना 100% दीजिए, और उसके बाद आराम से जाइए। अब मान लिया कुछ आता ही नहीं है, पेपर में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, आपने जितनी तैयारी की, पहले तो ऐसा होगा नहीं, इतनी मेहनत करें, इतनी तैयारी करें, इतनी वीडियोस देखें, इतना पढ़े, उसके बाद भी कुछ ना आता हो, ठीक है। मान लिया फिर भी ऐसा हो जाए 2 ही आते, तब तो फिर 2 क्वेश्चन लगा के भी कुछ नहीं होना, फिर लगा देना तुक्के अंधाधुंध, सिक्का ले जाना, हेड आया है, टेला है, भी सिक्का कड़ा सीख हो गया, इनमें से कोई नहीं वाली बात है। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। 4-5 दिन है लगातार आपको लर्निंग करनी, जिससे नॉलेज बटोर पानी जितनी बटोर ले। यूट्यूब पे खूब सारी श्रृंखलाएं चल रही होती हैं, लोग बताते हैं कि 1000 क्वेश्चन इनके बाहर नहीं आएगा, या नहीं देखिए दबा के उन्हें, और थोड़ा ऐसे लोगों को देखिए जो थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अंधाधुंध देखिए। लाइव वगैरह लोग आते हैं उन्हें फॉलो करिए, आपका जो किताब है उसमें मान लिया अगर नहीं भी पढ़ पा रहे तो ज़्यादातर इंटर वाले ही टॉपिक हैं, हाई स्कूल वाले टॉपिक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ी चीज़ें देख लीजिए। मैथ में आपको जो टॉपिक सरल लगते हैं केवल उन्हें ही छुइए, सारे पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे 5 दिन में। तो मान लिया 20 टॉपिक आपने देखा हमें 6 अच्छे से आते, तो उन 6 पे कवर करिए, उन 6 से अगर एक एक क्वेश्चन भी आ गया तब भी सर 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 आपने उधर कर दिए 6 यहाँ, मान लिया 25 भी उधर कर दिए 6 यहाँ, तब भी 31 होगा, कम से कम 100 तो पार करेंगे आप। पता चला 250+ में जाने के चक्कर में 100 छोड़िए, नंबर आते 30 32, माइनस के 3 2 1 4 भुगत गए। तो उम्मीद करते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच गया होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी, और ये बात दिमाग में डाल के जाइए कि हमें सब नहीं लगाने, जितने लगाने हैं सॉलिड लगाने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में चीजें कट जाती हैं। भैया 4 नंबर का क्वेश्चन है, पतला आपने 100 क्वेश्चन सही किए 100 नंबर मिले, ठीक है, 100 क्वेश्चन सही किए नहीं सॉरी आपने मान लिया 20 क्वेश्चन सही किए, 4 नंबर के हिसाब से आपको 80 नंबर आने वाले थे, 50 गलत कर दिए, वो नंबर रहेगा 30 और कहीं किसी काम का नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं, और आते हैं लोगों के -4 -7 ऐसे नंबर आते हैं। तो बस दोस्तों उम्मीद करते हैं काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया होगा, थोड़ी सी आपकी उम्मीद भी बढ़ाई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।